हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसू। सो देखिए बेटा, बिफोर दैट दो वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 की क्लास 11, और इससे पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस किया है दैट इज अबाउट व्हाट इज लिविंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग, और हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फटाफट एक बार रिव्यू देख लेते हैं व्हाट इज लिविंग। तो मैंने आपको बताया था लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट इज ग्रोथ, स्पेशली इंटरनल ग्रोथ। ओके, स्पेशली हमने बात की थी इंटरनल ग्रोथ। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन, ओके, उसके अलावा हमने मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म में हमने दो चीजें देखी थी, एनाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटीज सिंथेसिस एक्टिविटीज होती हैं, और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ब्रेकडाउन एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिज्म के अलावा हमने क्या देखा था, लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्सियसनेस। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्सियसनेस। और इसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ओके, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, और एट लास्ट हमने एक डेफिनेशन भी देखी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। ओके, एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुलाई। तो ये ओवरऑल एक डेफिनेशन थी, इसमें आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इंटरनल ग्रोथ, कॉन्सियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको देखिए, इसको तो वैसे भी हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल कि सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, और वी कैन से दैट द सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी लोवेस्ट जो लेवल है दैट इज द सेलुलर लेवल। सो ये मेन थ्री आप इस बात की ध्यान रखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ग्रोथ एंड कॉन्सियसनेस, दीज आर द मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस बात ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी तीन प्रॉपर्टीज हैं, देखिए आप इंटरनल ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द मेन थ्री डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? तो इसके अलावा देखिए बेटा, आज हम सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ओके, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, देखिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल से गुजर रहे हो, आपको क्या हुआ, वहाँ पे एक डायनासोर लाइक एक फीचर आपको मिला। ठीक है, डायनासोर लाइक फीचर आपको मिला तो आप क्या करेंगे, देखिए हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये नहीं कि मैम हम डर जाएंगे, हम वहाँ से भाग लेंगे, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डायनासोर लाइक फीचर मिला तो आप क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे, आप उसको लेके आएंगे तो वहाँ पे जो भी यू नो कि टैक्सोनॉमी ब्रांच से रिलेटेड जो भी पर्सन वहाँ पे होंगे, आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में पूरी स्टडी करें, डिस्क्राइब स्टडी करें कि क्या है ऑर्गेनिज्म, है कहाँ से आया है, कैसा है, क्या क्या इसके फीचर्स है। तो देखिए टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम उस ऑर्गेनिज्म को लाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ओके, क्या करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी उसके जो भी फीचर्स हैं वो हम राइट आउट करेंगे, इसके फोर लेग्स हैं, इसका माउथ जो है वो काफी बड़ा है, इसके जॉज में इतने टीथ होते हैं, जॉज में टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, इसकी लॉन्ग टेल होती है, वट एवर। यानी सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा, जो हम उसको ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे, वो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो भी उसके फीचर्स हैं, उसके जो भी आइडेंटिफिकेशन फीचर है, जो भी डिस्क्राइब्ड फीचर है, उनके बारे में हम डिस्कस करें। ओके, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होगा, जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको नेम देंगे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आपको नोमेनक्लेचर के बारे में पता होगा, देखिए नेम तो मोस्टली हर चीज का होता है, इज इट क्लियर, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है चाहे वो लिविंग थिंग है, सबका एक नेम होता है। ओके, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। लेकिन नेम का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ नेम्स तो क्या होते हैं, वर्नाकुलर नेम्स होते हैं जिनको हम लोकल नेम्स बोलते हैं, और एक नेम होता है साइंटिफिक नेम।
है उनका होता है बॉटनिकल नेम। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं उनका होता है जूलॉजिकल नेम। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखिए ये जो एनिमल्स का होता है जूलॉजिकल नेम और प्लांट्स का होता है बॉटनिकल नेम, ये जो नेमिंग है आप लोग उसके सारे फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने उसको डिस्क्राइब फीचर उसके देख लिए, उसमें क्या क्या जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो हमने सब देख लिए, उसके बाद हम उसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग होता है नोमेनक्लेचर, और आपको बताया कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हम उसका क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम देंगे, यानी हम ऐसे कोई नेम नहीं रख सकते पप्पू टप्पू व्हाटएवर, क्यों? क्योंकि दैट इज ए फीचर, या हम कह सकते हैं दैट इज ए एनिमल, तो उसको हम ऐसे ही कोई नाम नहीं रखेंगे, हम उसके कुछ फीचर्स के बेसिस पे उसका नाम रखेंगे। और स्पेशली जो होता है साइंटिफिक नेम होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने उसका कोई भी नाम दिया जीपीएस व्हाटएवर जो भी आपने रखा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे क्लासिफिकेशन, थर्ड पॉइंट क्या होता है क्लासिफिकेशन, मतलब आपने देखा कि उसके फीचर्स आपने देखे, उसका नेमिंग आपने किया, आप उसको क्लासिफाइड करोगे, आपको किस किंगडम में, किस फाइलम में, या आप कहते हैं किस क्लास में, किस ऑर्डर में, किस जीनस और स्पीसीज में, व्हाटएवर, तो वो सारी चीजें उसको क्लासिफाई करना है। एक स्पेसिफिक ग्रुप में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, एक स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक किंगडम में हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो देखिए ये जो तीन मेन फीचर्स हैं व्हाटएवर आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सब होता है दैट इज इनटू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और वी कैन से दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसके जो भी डिस्क्राइब फीचर उनके बारे में डिस्कस करना है। नोमेनक्लेचर क्या है, उसका एक पर्टिकुलर नेम हम देंगे जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। ओके, प्लांट्स के लिए उस नेम को हम बोलते हैं बॉटनिकल नेम, और एनिमल्स के लिए बोलते हैं जूलॉजिकल नेम। और ये डिसाइड कौन करता है, इट इज द आईसीपीएन एंड इट इज आईसीजेड। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ओके, एंड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने उसको अरेंज किया है। ठीक है, क्योंकि और भी डिटेल्स आपको बतानी है। और थर्ड पॉइंट हो गया आपका क्लासिफिकेशन, यानी जो भी स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें हम उसको एक ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उनका एक स्पेसिफिक किंगडम होता है, उसके बाद उसका फाइलम या डिवीजन होता है, उसके बाद क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज व्हाटएवर। तो ये तो थी आपकी टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्या है, देखिए सिस्टमैटिक्स क्या है, इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देखिए आपने सुना होगा ऐसे कहते हैं कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो जन्म है या उनके जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स थे वो कौन है उनकी। ठीक है, आप भी सोचते हो हाँ मोस्टली जो हरकतें होती हैं बच्चों की स्पेशली मंकी के जैसी होती है, वही शरारतीपन होता है, वही नॉटी होते हैं, वही जिगर टिकते नहीं है, ये फैक्टर। ठीक है, यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिससे अगर हम देखें तो हमारे जो फीचर्स हैं वो मंकी से मैच करते हैं। दैट क्लियर? इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, इट इज अ लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बिफोर दैट हम उनका क्या चेक करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि भाई ये कौन से ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिश है और आपको डिसाइड करना है मुझे इसको किस ऑर्डर में या किस किंगडम में डालना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको उठा के सीधा वर्टिब्रेटा में डाल देंगे, कॉर्डेटा में डाल देंगे, मतलब उसके पीछे आप बहुत सी चीजें देखेंगे कि हाँ भाई इसमें विंग्स नहीं है, इसमें क्या होते हैं फिन्स होते हैं, इसकी जो टेल है वो हेट्रोडोंट या होमोडोंट होती है, दे कैन स्ट्रीम, इनकी जो स्केल लाइक बॉडीज होती है, बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है, तो वो सारी चीजें हम मैच करते हैं। जब हमें पता लगता है अच्छा इसके फीचर्स तो इस वाले पाइसिस वाले से मिलते हैं, फिर हम उसको उस ग्रुप में ऐड करते हैं। तो ये जो इवोल्यूशनरी बेसिस के रिलेशनशिप के बेसिस पे जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टैक्सोनॉमी ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सिस्टमैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के
किसके बारे में पढ़ते हैं हम, कौन से फीचर किससे मैच करते हैं, किस तरह से मैच करते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली, जो भी वो सब होता है सिस्टमैटिक्स। इज इट क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा ये सब? ओके बेटा, बाकी हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे।